हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आया हूँ एलाइट डिस्कस में, जो नेरुल में है, सेक्टर 3 में। और यहाँ पे अभी बहुत से डिस्कस के स्ट्रेन हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ इनके बड़े बड़े टैंक्स हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये भी कुछ 5 फीट का टैंक्स है। और यहाँ पे है डिस्कस, और अंदर भी इनका एक रूम है, ये देखिए। तो जैसे आप एंटर करोगे आपको बहुत से डिस्कस देखने मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेन है डिस्कस के। तो सब ये मैं आपको दिखाऊंगा प्राइस के साथ। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाय आदित्य सर। हाय हाय। तो सर, मुझे पूछना था आपसे कि आप इस डिस्कस के हॉबी में कितने साल से हो? गुरु, ये डिस्कस हॉबी में मैं लगभग 8 साल से हूँ। अच्छा। तो सबसे पहले मैं एज ए हॉबीज था। ओके। बाद में जैसे जैसे उसका मतलब डिस्कस का एक क्रेज बढ़ते गया, हाँ, तो फिर थोड़ा इन डेप्थ जाना चालू किया, अच्छे अच्छे सोर्सेस ढूंढना चालू किया। ओके। और फिर उसके बाद मुझे ना डिस्कस जो सोर्स है वो मिला, उनके साथ काम करते करते मैंने मेरा एलिट डिस्कस जो फर्म है, हाँ, वो मैंने फॉर्म किया। अच्छा। और अभी विद माई एलिट डिस्कस फर्म मैं इम्पोर्टेड डिस्कस और इम्पोर्ट क्वालिटी के डिस्कस जो खुद के ब्रीड किए हुए हैं, हाँ, उनमें मैं डील करता हूँ। अच्छा। और अभी आप लोग कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे एलाइट डिस्कस पे? सर, राइट नाउ वी हैव 3 पार्टनर्स। ओके। मिस्टर गणेश मार्के और इंद्रजीत सावंत। अच्छा। और मैं खुद आदित्य। ओके। तो हम लोग तीनों मिलके अभी फिलहाल ये सेटअप कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई नियर बाय प्लेस से किसी को विजिट करके अगर डिस्कस सिलेक्ट करके लेना है यहाँ पे आके, तो क्या रहेगा? आपको 1-2 दिन पहले कुछ कॉल करना पड़ेगा या डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, कैसा रहेगा? सी, कभी भी बेटर होता है कि आप कॉल करके थोड़ा अपॉइंटमेंट लेके अगर आप आएंगे तो आपके लिए भी बेटर है, और मैं भी टाइम प्रॉपर दे सकता हूँ। या या। ओके। वैसे फुटफॉल वैसे है कि अरे मैं आ रहा हूँ और वो आ जाते हैं। ओके। तो मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मैं जरूर उनको वेलकम करता हूँ। ओके। अगर नहीं तो कोई ना कोई तो यहाँ पे रहेगा, या तो मेरे घर से कोई ना कोई आपको दिखा देगा। अच्छा। मेरा गैलरी वैसे कोई इशू नहीं है। Okay. या फिर गणेश भी नियर बाय ही रहते हैं, हाँ, तो वो आके हम लोग वो सब हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ओके। Okay. और मैं पूछना चाहूंगा कि पुणे में भी बहुत से एक्वेरियम हॉबिस्ट है जो डिस्कस मतलब लवर्स है, तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है पुणे से, तो कितना टाइम में क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा? सर देखिये, पुणे तो अभी मैक्सिमम 3 घंटे की दूरी पे है। ठीक है। तो मैं तो अप्रोच करता हूँ कि अगर आप टाइम निकल के संडे या जो भी आएंगे, ठीक है, हाँ, तो आप मतलब विजिट कीजिए यहाँ पे, डिस्कस का क्वालिटी देखिए, क्योंकि आप एक डिस्कस देखेंगे बट यहाँ पे आपको लगभग मिनिमम आपको 100 प्रॉपर क्वालिटी डिस्कस देखने मिलेंगे। या, अगर वो पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो फिर आप डिस्कस सिलेक्ट कीजिए थ्रू वीडियो। तो वो डिस्कस हम लोग वाया ट्रांसपोर्ट हम लोग भेज सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो कस्टमर को बेयर करना पड़ता है। या या। पैकिंग ट्रांसपोर्ट करके हम लोग भेज सकते हैं। ओके ओके। तो और बाकी ये डेली ओपन रहता है आपका गैलरी? जी, मेरा गैलरी कभी भी बंद नहीं रहता है। ओके। सुबह 6 बजे से लेके आप रात को 12 बजे 1 बजे भी आओगे, ओके, तो हमारा डिस्कस का गैलरी आपके लिए खुला रहता है। ओके ओके। तो चलिए फिर डिस्कस का स्टॉक देखते हैं अभी। श्योर श्योर, डेफिनेटली। ओके। तो फ्रेंड्स, गणेश सर है हमारे साथ। हाय सर। हाय हाय गुरु, हाउ आर यू? फाइन। तो सर, हमें आज क्या क्या ऐसे डिस्कस के स्ट्रेन्स देखने मिलेंगे यहाँ पे आज? श्योर। तो मैं अभी हमारे सेटअप में जितना हमारे पास स्ट्रेन्स अवेलेबल है, yeah, मैं सब आपको दिखा देता हूँ। ओके। वी विल स्टार्ट विद दिस टैंक। या। तो इसमें सारे प्रीमियम ग्रेड के डिस्कस है हमारे, जो हम ट्रिपल ए ग्रेड्स बोलते हैं। हाँ। तो इसमें इंडियाना टाइगर है, इसमें ब्लू डायमंड है, इसमें ब्रिलियंट ब्लू है, yeah, और ब्लू स्कॉर्पियन है। ये 4 स्ट्रेन अभी इस टैंक में है। या, और ये अराउंड 5 to 6 inches बोल सकते हैं ना बॉडी साइज? ये सब 6 inches एंड प्लस है। या या। तो इनको फीड आप लोग दिन में मतलब कैसा, कितना टाइम करते हो? देखो, इसको फीड दिन में कम से कम 5 से 3 टाइम जाता है। ओके। ऑन अ फिक्स्ड एंड रेगुलर इंटरवल्स। ओके ओके। और वाटर चेंज? वाटर चेंज दिन में 2 बार होता है, मॉर्निंग में 50% होता है और इवनिंग में 100% होता है। ओके ओके। अगर कोई हॉबीस्ट है जिनको कुछ स्मॉल साइज में चाहिए तो वो भी थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि हाँ, सब बड़े ही साइज लग रहे हैं। नहीं, नहीं, हमारे पास जो साइज स्टार्ट होता है वो मिनिमम साइज स्टार्ट होता है 4.5 inches। अच्छा, 4.5। इट गोज अप टू 7 inches। ओके। कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा साइजेस हमारे पास अवेलेबल है।
इनफैक्ट आई एम श्योर आदित्य ने मेंशन किया है कि अभी हमने खुद ने भी ब्रीड किया है, तो हमारे पास 3.5 इंच में भी नाव ब्लड लाइन का बेबीज अवेलेबल है। ओके सर, 3.5 इंच में भी है। ओके ओके, तो एक मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये जो प्रीमियम ग्रेड्स है इनका स्टार्टिंग रेंज क्या रहेगा? देखिए गुरु, ये जो है ये सिलेक्ट ग्रेड्स है, प्रीमियम ग्रेड्स जो खुद हैंड सिलेक्टेड है, हैंड ग्रूम्ड है, और आप उसका क्वालिटी दे सकते हैं। तो जैसे एवरीबडी नोज क्वालिटी कम्स विद द प्राइस, तो ये थोड़ा प्रीमियम ही प्राइस है। इसका स्टार्टिंग रेंज है 25,000, इट गोज अप टू 30,000। ओके ओके, और इस सब अराउंड बोल सकते हैं आप 6 इंचेस का बॉडी साइज, 6 इंचेस एंड प्लस है। आप इसका बॉडी का पैटर्न, इसका कलर, इसका शेप, हर चीज अगर आप देखोगे तो मतलब आई वुड, आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड कि इसको हम लोग प्रीमियम ग्रेड्स क्यों बोलते हैं। और आप देख सकते हो सब हेल्दी फिश स्टॉक है, फिशेस सब हेल्दी है, वेल क्वारंटाइन है। जैसे ही हमारे पास शिपमेंट आता है, इनिशियली हम उसको कस्टमर्स के लिए ओपन नहीं रखते हैं, हम उसको 3 से 4 दिन तक क्वारंटाइन में रखते हैं, और जब फिश पूरा हेल्दी होता है तभी वो फिश डिस्प्ले के लिए आता है। ओके, और ये सब टैंक्स जो अभी ये साइज रहेगा कुछ 3 फीट से, ये 3x21x21 ये टैंक का साइज है हमारा, बट हम इंश्योर करते हैं कि एक टैंक में हम 8 से 10 पीस ही रखें, ज्यादा क्राउडेड ना रखें, सिलेक्टेड जो भी है, ज्यादा स्टॉक नहीं इन्होंने ये किया हुआ है, और सब टैंक्स ऐसे ही बड़े बड़े साइज के यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये सेकेंड टैंक है, और इसमें ये कौन से स्ट्रेन है? इसमें फिलहाल 2 स्ट्रेन है, आप जो पीछे देख रहे हैं वो मूनस्टोन है और ये रेड वैलेंटाइन है। ओके, ये भी अराउंड 5 इंचेस आप, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस है। या तो आप देखेंगे इसमें पेयरिंग का साइज भी दिखेगा आपको, वो देखिए फीमेल वहाँ पे शिवर कर रही है। या तो इसमें अराउंड 2 पैर है अभी। ओके ओके, और किसी को पैर अगर चाहिए ऐसा तो वो भी मिल जाएगा? हाँ कंफर्म पैर भी मिल जाएगा, बट हम लोग प्राइसिंग थोड़ा अलग, प्राइसिंग सेम रहेगा। देखो जो हमारा पर पीस का प्राइस रहता है, अगर वो पैर सेट हो गया तो प्राइसिंग चेंज नहीं होता है। अच्छा अच्छा, पैर का प्राइस भी पर पीस के हिसाब से हम देंगे। ओके ओके, और इनका कैसा है स्टार्टिंग रेंज? इनका स्टार्टिंग रेंज है 14,500 से। ओके ओके, सो जो भी हमारे फिशेस है, हमारा जो मिनिमम प्राइस जो स्टार्ट होता है वो 12,000 से होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड ग्रेडिंग ऑफ द फिश, वो प्राइस वैसे वैसे हम लोग उसको अकॉर्डिंगली प्राइस कर देते हैं। ओके ओके, और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये टैंक में भी अराउंड कुछ 7 डिस्कस है। हाँ, इसमें हम कभी भी एक टैंक को क्राउडेड नहीं करते, डिस्कस को थोड़ा स्पेस चाहिए घूमने के लिए, डिस्कस एक दूसरे से ब्रश नहीं होते, हेल्दी रहते हैं, कुछ उनको इंजरी नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इंश्योर करते हैं कि एक टैंक में मैक्स टू मैक्स 8 से 10 पीसेस ही रखें हम लोग। तो इस टैंक में अल्बाइनो पर्ल डायमंड डिस्कस है, और ये थोड़े स्लाइटली आप बोल सकते हैं 4 to 5 इंचेस के साइज में है कुछ, राइट? जी देखिए, ये जो अल्बिनो पर्ल डायमंड है ये बहुत ब्यूटिफुल फिश है, इसके लिए कस्टमर्स का डिमांड भी बहुत है, क्योंकि अगर आप देखोगे उसका बॉडी आपको हल्का येलो दिखेगा, उसका आइरिस प्रॉपर रेड है, अगर आप उसके आईज देखोगे वो भी प्रॉपर रैबिट आए हैं। तो ये जो टैंक है इसमें आप डिस्कस देख रहे हो उसका साइज चालू होता है 4.5 to 5 इंचेस। ओके, और डिस्कस में ऐसा कुछ रहता है कि थोड़े कुछ स्ट्रेन्स एकदम सेमी एग्रेसिव ज्यादा रहते हैं या एग्रेसिव ऐसा कुछ रहता है? देखिए डिस्कस जो है वो एक सिक्लेट वैरायटी है, तो बाय नेचर वो थोड़ा टेरिटोरियल होता है। तो डिस्कस अग्रेसिव कब होता है? जब उसमें पेरिन के साइन आते हैं, तो दे स्टार्ट मार्किंग द टेरिटरी, तो वो बाकी फिशेस को अपने आसपास नहीं आने देंगे, तो उस टाइम पे पेरिंग करने पे डिस्कस थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो दूसरे डिस्कस को ये लोग ये भी कर सकते हैं थोड़ा? हाँ, देखिए क्या है, डिस्कस को दांत नहीं होते, तो अगर वो किसी दूसरे डिस्कस को मार भी रहे हैं तो वो जस्ट निबल करके छोड़ देंगे, उसके वजह से फिशेस को ऐसा कुछ मेजर इंजरी नहीं होता। अच्छा, अगर आप पीछे देखोगे इसमें भी एक पैर फॉर्म हो रहा है। ओके, तो हमारे जो मोस्टली पीसेस आते हैं, अगर आप सारे टैंक्स कवर करेंगे आपको हर एक टैंक में एक आध दो पैर तो मिल ही जाएंगे। बैक साइड में भी पैर है? यस। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पैर्स भी मिल जाएंगे, और ये जो है इनका क्या प्राइस रेंज है? इसका प्राइस है 14,500 पर पीस। ओके फ्रेंड्स, ये 4th टैंक है अभी, और इसमें भी बहुत से कलरफुल डिस्कस ट्रेंड है, और ये कौन से डिस्कस है? गुरु इसमें सारे रेड चेकर बोर्ड है। okay. तो इसमें 2 ग्रेडिंग है, एक हमारा रेगुलर ग्रेड जो है और एक प्रीमियम ग्रेड है। ओके okay. तो इसमें भी अगर आप देखोगे पेयरिंग के साइन आपको दिखेंगे, इसमें 2 पेयर फॉर्म हो गए अभी। ओके
और जो प्रीमियम ग्रेड जैसा पीछे देख रहे हो हाँ. वो सब 6 इंचेस है. तो ये साइज का अगर कोई ले रहा है हॉबीज तो आप क्या रिकमेंड करोगे, टैंक साइज क्या रहना चाहिए, मतलब ये जो साइज है? देखिए डिस्कस डिपेंड करता है एक हॉबिस्ट एक टैंक में कितने पीसेस रखना चाहता है. yeah. अगर सपोजिंगली उनके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है वो एक 3 फुट का टैंक रखना चाहते हैं तो ये साइज में मैक्स टू मैक्स मैं रेकमेंड करूंगा 4 डिस्कस. ओके, थोड़ा घूमने को भी जगह मिलेगा. yes. हाँ, तो डिस्कस क्या है, डिस्कस थोड़ा टिमिड फिश है तो हाँ. कभी कभी वो स्पूक हो जाता है, डर जाता है, कोई अचानक से टैंक में है तो इधर उधर भागता है, वो रॉकेट कर देता है एक दूसरे को. okay. तो उसमें डिस्कस को इंजरी होने का भी चांसेस है. तो अगर ज्यादा पीस रहेंगे तो वो एक दूसरे से रब होके हाँ. वो उसको रैश होने का चांसेस ज्यादा होता है. तो हम रेकमेंड करते हैं कि 4 पीसेस 3 फीट के टैंक में सफिशिएंट. या और इनका कैसा है रेंज, प्राइस रेंज? ये जो इसमें रेगुलर ग्रेड है वो है 14,500 के. ओके. और जो प्रीमियम ग्रेड है वो है 25,000 पर पीस. ओके ओके. हम अंदर के सेक्शन में आए और यहाँ पे भी बहुत से टैंक है डिस्कस के, तो ये एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे. और इसमें क्या स्ट्रेन है? इसमें गुरु 2 स्ट्रेन है, एक है स्टारलाइट गैलेक्सी जो okay. आप ये देख सकते हो या हाँ ये जो कॉर्नर में है हाँ. और उसके आगे जो आ रहा है वो है मेज टर्कोइस. ओके ओके. और ये भी अराउंड 5 इंचेस के साइज हाँ, में, इसमें 4.5 to 5 inches है. ओके okay. ये देखिए. और हर एक ये जो डिस्कस है वो प्रॉपर सिलेक्टेड जो आपके पास आता है स्टॉक, राइट? बराबर, जो हमारा इम्पोर्टर है हाँ. वो हमको बताता है कि ये स्टेन आए हैं, आपको कौन सा स्टेन चाहिए, वो वीडियो कॉल करता है, वीडियो भेजता है और हम जो बेस्ट ऑफ बेस्ट पीसेस हमको लगते हैं वो सिलेक्ट करके फिर हम लोग उसको मंगा लेते हैं. ओके ओके ओके. क्योंकि हर एक डिस्कस यूनिक और यूनिक कलरेशन और पैटर्न है इनके जी. और इनके साथ ऐसा बॉटम फीटर रख सकते हैं, कोरिडोर या ऐसा कुछ? हाँ, हम रेकमेंड करते हैं कि देखिए कैसा होता है डिस्कस प्लेको. हाँ, प्लेको हम नॉर्मली रेकमेंड नहीं करते. अगर आपको उसका टैंक मेट रखना ही है हाँ. तो आप जियोफेगस रख सकते हैं, जियोफेगस एक अच्छा ऑप्शन है, नॉन एग्रेसिव है. कॉरिडोर आप रख सकते हैं, अगर आपको बॉटम फीडर चाहिए ओके. तो आप कॉरिडोर को भी ऑप्ट कर सकते हैं. जियोफेगस कब ऑप्ट कर सकते हैं? जब आपका बड़ा रहेगा. हाँ, और प्लांटेड सेटअप है क्योंकि जियोफेगस थोड़ा डिग करता है सैंड को और उसमें से खाना जो बचा हुआ रहता है, जो रेसिड्यू रहता है उसको खा लेते हैं. बट जियोफेगस और कॉरिडोरस आर द बेस्ट टैंक मेट्स फॉर डिस्कस क्योंकि वो नॉन एग्रेसिव है, डिस्कस को अटैक नहीं करेंगे, डिस्कस को हार्म नहीं करेंगे. ओके ओके. और ये जो सब स्ट्रेन है यहाँ पे, ये इनका कैसा है प्राइस रेंज स्टार्टिंग? देखिए हमारा प्राइस रेंज जो स्टार्ट होता है वो है 14,500 से इन पर्टिकुलर डिस्कस के लिए. ओके ओके. तो फ्रेंड्स ये और एक टैंक है और इसमें भी बहुत से अच्छे ब्यूटीफुल डिस्कस स्ट्रेन है. ये देखिए इनके पैटर्न. और ये कौन से स्ट्रेन है? ये गुरु पिजन स्कारलेट स्नेक स्किन है. okay. ये बहुत ही ब्यूटीफुल वैरायटी है, वेरी सिमिलर टू चेकरबोर्ड. बट चेकरबोर्ड में अगर आप देखोगे तो उनके ब्लॉक्स थोड़े बड़े होते हैं. ओके. पिजन स्कारलेट स्नेक स्किन का पैटर्न एकदम फाइन होता है जिसकी वजह से वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं. yeah. और ये कभी कभी ऐसे डार्क हो जाते हैं बॉडीज उनका, मतलब फिन्स तो थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं, तभी होते हैं? देखिए डिस्कस जो पेपरिंग दिखाता है वो दो वजह से दिखाता है. जब वो पेयरिंग में आता है तो बाय नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है तो अपने आप को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ. ओके ओके. या तो आपके वाटर पैरामीटर्स खराब है, डिस्कस ठीक नहीं है हाँ. डिस्कस बीमार है हाँ. तो वो थोड़ा पेपरिंग दिखाता है. बट वो जब बीमार होता है तो जाके कोना पकड़ लेता हूँ. ओके, ओके. अब ये सारे डिस्कस आप देखोगे टैंक में घूम रहे हैं, इसमें भी पेयरिंग के साइंस आपको दिखेंगे, इसलिए वो आपको एग्रेशन भी दिख रहा है इसमें. तो ये ऐसे एक अंदाजा क्या है, मतलब 1 ईयर के रहेंगे या कैसा रहता है इनका ये जो साइज में? हाँ, ये पर्टिकुलर पीसेस अभी अराउंड 12 to 15 months में रहेंगे. ओके ओके. तो अभी ये मेच्योरिटी में आए हैं. डिस्कस में ऐसा होता है कि फीमेल जल्दी मेच्योर होती है, मेल को मेच्योर होने में थोड़ा टाइम जाता है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो इनका कैसा है स्टार्टिंग रेंज? ये स्टार्टिंग होता है 20,000 से. ओके. इट गोज अप टू 25,000. ओके ओके. और ये भी साइज अराउंड 5 inches? हाँ, इसमें कुछ 2 sizes दिखेंगे आपको, कुछ 5 inches के, कुछ 6 inches के. या तो आप फ्रेंड्स जरूर विजिट करके देखिए, कांटेक्ट कीजिए पहले इनको और आप ये गैलरी विजिट करोगे तो आपको बहुत से ब्यूटीफुल डिस्कस देखने मिलेंगे. या फ्रेंड्स यहाँ पे भी कुछ डिस्कस है, अलग अलग स्ट्रेन देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे. और ये जो मिक्स स्ट्रेन ऐसे इसमें क्यों रखे हुए हैं अभी? देखिए गुरु आपने अभी पूरा सेटअप देखा तो हमारे ऑलमोस्ट सब टैंक्स फुल है.
क्योंकि अभी लास्ट सैटरडे हमारा स्टॉक आया है. ओके ओके. तो सब टैंक्स में ओवरक्राउडिंग ना हो इसलिए हमने कुछ पीसेस यहाँ पे रखे थे क्योंकि बाकी सब टैंक्स फुल हुए थे. पर जैसे ही फिर सेटल हो जाता है तो हम उसको स्ट्रेन वाइज उसको सेग्रीगेट करके हर एक टैंक में एक स्ट्रेन रख लेते हैं. ओके. तो नॉर्मली जब आते हैं तो कितना दिन लग जाता है उनको सेट होने को थोड़ा? देखो ये स्पेशलिटी है ना डिस्कस का, ये जब हमारे पास आता है तो ये ऑलरेडी इतना वेल सेटल रहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में उसका स्ट्रेस होता है बस वही होता है. हम टैंक में डालते हैं, एक आध दो दिन में फिशेस सारे सेटल हो जाते हैं. ओके ओके. और ये जो स्ट्रेन इसमें कौन से कौन से है? जो वाइट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल. देखिए इसमें जो सबसे सॉट आफ्टर या ना जिसके लिए जाना जाता है वो है सुपर वाइट बटरफ्लाई. ओके. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेन है. आप देखोगे तो ये नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं है, इसको हम सुपर वाइट बटरफ्लाई कहते हैं क्योंकि उसका अगर आप व्हाइट पार्ट जो देखेंगे वो एकदम ब्राइट व्हाइट है. और जो आप उसमें पैटर्न देख रहे हो अभी जो आपको येलोइश ऑरेंज पैटर्न दिख रहा है, जैसे जैसे वो फिश बड़ा होता जाएगा वो पैटर्न पूरा रिड्यूस हो जाएगा, वो पैटर्न इनविजिबल हो जाएगा. तो ये डिस्कस पूरा व्हाइट रहेगा. ओके ओके. फिन्स भी अभी फिलहाल इसका कलरेशन है वो ऑरेंजिश. एग्जैक्टली. तो ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसका पैटर्न पूरा निकलते जाएगा. ओके ओके. और बाकी कौन से स्ट्रेन है ये? इसमें ब्रिलियंट ब्लू है, इसमें चेकर बोर्ड है, इसमें ऑल्टम कार्नेशन है. ओके. और इसमें एक और बहुत ब्यूटीफुल वराइटी है जो है मेजेस्टिक फायर, जो आप पीछे देखोगे स्पंज के इधर जा रहा है. अच्छा अच्छा. उसका पैटर्न एकदम फाइन रहता है. ओके. So that is also very good strain which is developed by Na. Majestic Fire उसका नाम है. Okay okay. और इनका ये जो अभी mixed strains हैं इनका कैसा है starting में? जैसे ये white वाले हैं. देखिए super white butterfly का starting है 20,000 रुपये. Okay. और checkerboards और जो autumn carnation है जो हमने बताया 14,500 से हमारा per piece start होता है. Okay okay. और ये majestic? Majestic Fire भी same. 14,500. Okay okay. इसमें अगर आप देखोगे size सबका सेम है, सेम है. बट सिंस सुपर वाइट बटरफ्लाई थोड़े एक्सोटिक है, मार्केट में जल्दी आते नहीं है, रेयर है एकदम, रेयर है. उनकी क्वालिटी भी नहीं है कभी. हाँ आती है तो ये क्वालिटी में नहीं आते इसलिए ये थोड़ा प्रीमियम प्राइस है. और ये भी साइज सब अराउंड 4.5 के आसपास. हाँ 4.5 टू 5 इंचेस है. ओके. तो यहाँ पे भी बहुत से डिस्कस मिक्स ट्रेंड्स रखे हुए जो फ्यू डेज बैक ही आए हुए यहाँ पे. और इसमें एक सुपर रेड है राइट? हाँ ये जो आप देख रहे हो जो साइड में जा रहा है लेफ्ट साइड में वो सुपर रेड है. अगर आप डिस्कस देखोगे नॉर्मली या तो व्हाइट फिश आएगा, येलो फिश आएगा. अगर आप मूनस्टोन देखोगे उसमें भी थोड़ा व्हाइट पैटर्न रहेगा. या वैलेंटाइन देखोगे उसका फेस जो रहेगा वो रेड रहेगा. सुपर रेड ऐसे बहुत कम आते जो जिनका फुल बॉडी रेड होता है. और इसमें आप हाँ 5 inches के आसपास, सब 5 inches से अबव है. इसमें अगर आप देखोगे कुछ व्हाइट बेस लेपर्ड्स भी है. ओके. तो जैसे जैसे वो बड़े हो जाएंगे उनका पैटर्न और फाइन होता जाएगा. और गोल्डन लेपर्ड जो आप देख रहे हो वो 14,500 से स्टार्ट होता है. ओके ओके. और बाकी स्ट्रेन्स का क्या रहेगा यहाँ पे रेंज? स्टार्टिंग वही 14,500 से स्टार्ट होता है. इसमें टाइगर स्नेक स्किन है और इसमें पिजन स्कारलेट है. ओके ओके. तो ये जो डिस्कस का स्टॉक देख रहे हो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे भी है और नीचे भी एक टैंक है. तो ये इन्होंने घर पे ही रेज किए हुए सब स्टॉक है ये राइट? गुरु ये हमने घर पे रेज भी किए और घर पे ब्रीड भी किए हैं. ओके ओके. जैसे आदित्य ने बताया हमारे थर्ड पार्टनर जो है इंद्रजीत सावंत. हाँ. तो ही इज आवर ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट. ओके. तो ये उन्होंने ब्रीड किए थे, उसके बाद ये आदित्य के पास थे, उन्होंने रेज किए हैं. अच्छा. तो इसका जो मेल था वो है मेज टर्कवाइज और उसकी फीमेल थी वो थी ऑल्टम कॉर्नेशन. ओके. और बहुत ही ये अभी कुछ 4 inches के रहेंगे राइट? हाँ ये राइट फ्रॉम फ्राई से लेके 4 inches तक इसको रेज किया है. अच्छा. और ये फिलहाल सेल के लिए नहीं है, ये हमारे ब्रूट स्टॉक है. ओके. अगर आप इसमें नीचे देखोगे तो एक बहुत ही यूनिक डिस्कस दिखेगा आपको जो हार्ट शेप में या जो स्टोन की इधर है आप देखोगे उसको टेल नहीं है. देखिए हाँ या हार्ट शेप में पूरा. हाँ तो कभी कभी वो बोलते हैं ना कि डिफॉर्मिटी में भी ब्यूटी रहता है. या या. तो वो पीस उस चीज का बेस्ट एग्जांपल है. यस. तो ये वाले भी टैंक में कोई सेल के लिए नहीं है? नहीं, ये जो बेबीज है फिलहाल. हाँ. ये हमारा ब्रूट स्टॉक है फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग प्लान. ओके ओके. तो ये अभी फिलहाल सेल के लिए हमने नहीं रखे. अच्छा अच्छा. तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा टैंक है 5 feet का और इसमें ब्यूटीफुल डिस्कस स्ट्रेन्स हैं.
तो आदित्य जी, इसमें कौन से स्ट्रेन्स है? गुरु, इसमें मल्टीपल स्ट्रेन्स हमने रखे हुए हैं। ओके, जैसे आप अगर रेड में जाओगे तो ये जो सामने आ रहा है ये रेड वैलेंटाइन है, ठीक है। उसके बाद ये चेकर बोर्ड में से एक स्पेसिफिक वैरायटी निकला हुआ है जो ड्यू टू उसका शेप हमने रखा हुआ है। ओके, देन ये जो राइट में आपके आप देख रहे हो तीनों जो खूबसूरत डिस्कस आ रहा है वो ब्रिलियंट ब्लू है। ओके ओके, देन उसी के थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको व्हाइट बेस लेपर्ड दिखेगा। या ओके, और यहाँ पे और ये स्नेक स्किन है। ओके ओके, ये जो है ये रेड स्निक स्किन है विथ ब्लू उसका रिम भी इसको आप विजिबल आपको दिख रहा है। और ये मूनस्टोन एक रखा हुआ है पीस। ओके, सो स्पेसिफिक ये टैंक जो है ये हमने रखा हुआ है कि उनको ग्रो करने के लिए, एज पर एग्जीबिशंस एज पर कॉम्पिटिशन्स के लिए हमने उनको ग्रूम करने के लिए रखा हुआ है। ओके ओके, तो ये सिलेक्टेड पीसेस है। अच्छा अच्छा, तो ये सेल के लिए नहीं है? सेल के लिए है, अगर कस्टमर प्रीमियम प्राइस दे सकता है तो हम लोग जरूर सेल करेंगे, व्हाई नॉट। ओके, और ये हॉबीज को किधर देखने मिलेगा आगे जो एग्जीबिशन अभी आने वाला है वीकेंड पे? हाँ, अभी ये जो दिसंबर 3 और 4 को जो इंतन का जो ये एग्जीबिशन आ रहा है, तो उसमें हमारे दो टैंक्स उसमें फिक्स है। ओके ओके, एलिट डिस्कस के, जहाँ पे आपको इसमें से ही कुछ कुछ प्रीमियम ग्रेड के फिशेस देखने के लिए मिलेंगे। ओके ओके, और वहाँ पे परचेस या ऑर्डर कर सकते हैं? वहाँ पे आप परचेस कर सकते हो, अगर ये आपका आउट ऑफ बजट है, ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मतलब कस्टमर हमारे सेटअप पे आए और उनके बजट के हिसाब से वो डिस्कस देखे और परचेस करें। या, और फ्रेंड्स आपको इनके स्टॉल में आपको जरूर इनके डिस्कस के क्वालिटी देखने मिल जाएंगी, जब सामने से आप देखोगे तो एक अलग ही मजा आएगा आपको। और आप अभी इनको फीड करोगे, राइट? यस यस यस, आप देखिए फीडिंग का भी क्यूज में आते हैं, राइट? हाँ, हम लोग क्यूज में ये देते हैं। okay. और ये 1 mm by 1 inch by 1 inch का ये क्यूब रहता है। ओके, तो ये कैसे केजी का ही मिलेगा या कैसा रहता है? नहीं, इसको हम लोग 250 ग्राम्स के हिसाब से हम लोग देते हैं। ओके, 250 से स्टार्ट। यस यस यस, तो जहाँ पे जब भी बोलते हैं बंदे कि भाई बड़ा डिस्कस खाना खाता नहीं है। ओके, और अगर आप अभी देखोगे कि ये कैसे टूट पड़ता है तो आपको भी थोड़ा ये होगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता है। या, सीधा अटैक कर रहे हैं। और हमें भी ट्राई करना है कि कभी भी ज्यादा क्वांटिटी ना डालो, वाटर ये हो जाता है, गंदा हो जाएगा थोड़ा, वाटर ये हो जाता है और उनका फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट भी थोड़ा खत्म हो जाता है खाना खाने का, तो आपको इंटरेस्ट को जगा के रखना पड़ता है। ओके ओके, जैसे अभी मैंने आपने देखा कि 4 से 5 क्यूब डाला है, जब भी वो खत्म होगा मैं तभी नेक्स्ट क्यूब्स डालूंगा। ओके ओके ओके, पर इनके अगर किसी को फिर ड्राई में लेके आना है तो ऐसा आउट स्टेशन वाले कोई होंगे तो उनको करा के मिलेगा? अगर ड्राई फूड पे कन्वर्ट करना है, हाँ, तो बेसिकली हम लोग तो ट्राई करते हैं कि ड्राई फूड ना डाले बंदा, ठीक है, बट अगर वो ट्राई करना चाहता है तो हम लोग उसको थोड़ा बहुत रेडी करके भेज सकते हैं। अच्छा, आफ्टर दैट कस्टमर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको कन्वर्ट करे। या, अभी आप देखेंगे कि उन्होंने लगभग सारा खाना खत्म कर लिया है। हाँ, ओके, तो अभी मैं और थोड़ा उनको पीसेस डालूंगा। मैक्स साइजेस कितना तक जाता है डिस्कस का अगर एकदम बड़ा टैंक है? गुरु, हमने ये सेम टैंक में गणेश जी के यहाँ पे हमने लगभग 7.5 inch का साइज हमने किया हुआ है। ओके, okay, जो हमारे प्रीमियम ग्रेड के फिशेस जो आपने देखे, हाँ, उससे भी बड़ा साइज हमने किया हुआ है। ओके ओके, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।